Assalamu alaikum to all students and all viewers. Now I discuss on the topic mod, group data. तो group data किस तरह calculate करते हैं, mod, ठीक है, group data, mod जो है group data किस तरह calculate किया जाता है. हमारे पास एक data है जो कि marks का है. अच्छा, ये class interval क्यों लिखा गया यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर उस दिन भी बताया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, मीडियन पढ़ रहे थे ग्रुप डेटा से. तो जब हमारी हायर वैल्यू इंटरवल की क्या होगी और यहाँ बिगर वैल्यू जो स्टार्ट वैल्यू जो होगी बिगनर, ठीक है, यानी हमारी जो लास्ट वैल्यू और यहाँ पर जो है इनिशियल वैल्यू देखेंगे, तो वो अगर गैप होगा उसके अंदर तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको क्लास इंटरवल कहेंगे. और अगर इसके दरमियान कोई गैप नहीं पाया जाता, ये आखिरी जो है जो लास्ट वैल्यू इस डेटा की होगी और यहाँ दूसरे वाले की ग्रुप की शुरू की जो डेटा होगा मैच कर रहा होगा, यानी कि जहाँ पर इख्तिताम है वहीं से आगाज़ है, फिर वो डेटा क्या कहलाएगा, क्लास बाउंड्री कहलाएगा. और हमारे पास जो जितने भी मॉड हो मीडियन हो वो कैलकुलेट हम किस से करते हैं, क्लास बाउंड्री से करते हैं. तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्री में. क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या बताया था कि आपको देखना पड़ेगा इसके दरमियान जो है दोनों ग्रुप के दरमियान कितने का फ़र्क है. तो 29 से 30, 34 से 35, 39 से 40 और 44 से 45 गैप आपको नज़र आ रहा है वन का, ठीक है. तो आप इसको क्या कर देंगे, हाफ़ कर देंगे. हाफ़ करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, यानी हाफ़ से मतलब वन को अगर आधा किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, 0.5. 0.5 पहले वाले में आपको क्या करना है, पहले वाले कॉलम में लेस करना है, दूसरे वाले कॉलम में ऐड करना है, जिस तरह आपका क्या तैयार हो जाएगा, क्लास बाउंड्री तैयार हो जाएगा. तो 25 में आप लेस करते हैं अगर तो 24.5, और इस वाले वैल्यू में आप इंक्रीज़ करते हैं 0.5 तो फिर क्या हो जाएगा, 29.5. इसी तरह सारे डेटा को जितने भी गिवन हैं वो हम इस तरह तैयार करते जाएंगे और हमारा क्लास इंटरवल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्लास बाउंड्री में हो जाएगा. तो ये यहाँ पर 30 है, 30 अगर हम 0.5 निकालें इसमें से तो क्या हो जाएगा, 29.5. इसी तरह इंक्रीज़ लास्ट वाले में करना है, आखिरी वाले में, तो 34.5. शुरू वाले में आपको घटाना है, दूसरे वाले में आखिरी वाले में बढ़ाना है. इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो है ग्रुप वो 35 से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा 0.5. इसमें से लेस अगर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 34.5, और इसमें इंक्रीज़ करेंगे ये बन जाएगा 39.5. इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा हमारा क्लास बाउंड्री. हमारे पास आ गई क्लास इंटरवल से हमने क्लास बाउंड्री तैयार कर लिया, ठीक है. अब ऑलरेडी अगर ये दिया होता कि 30, 30, 34, 34 या 35, 35 या 40, 40 या 39, 39, तो फिर हम क्या करते, फिर क्लास बाउंड्री नहीं बनाते, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास बाउंड्री ही होता, ठीक है. कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा एग्ज़ाम में कि आपको जो है लास्ट वाली वैल्यू और शुरू वाली जो वैल्यू है वो एक जैसी होगी, तो फिर वो क्या होगा, क्लास बाउंड्री होगा, फिर आपको ये घटाने और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ, जो उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को. अब मॉड ग्रुप कौन सा होता है, जिस तरह मीडियन ग्रुप ढूंढने के लिए हमने क्या किया था, सम ऑफ एफ डिवाइड बाई टू किया था, यहाँ पर क्या तरीका अख्तियार किया जाएगा जिससे हम मॉड ग्रुप की तलाश कर लेंगे. उसमें मीडियन ग्रुप तलाश किया था, फिर मीडियन कैलकुलेट किया था कि मीडियन ग्रुप कौन सा है. यहाँ हम क्या करेंगे, मॉड ग्रुप तलाश करेंगे. मॉड ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, इसके नीचे वाला कौन सा है, यहाँ पर कितने डेटा हैं, डेटा तो काफ़ी है, मतलब यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं कितने हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 हैं हमारे पास, 5 तरह के डेटा हैं. उसमें से कौन सा वाला मॉड ग्रुप है कैसे पता चलेगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू मॉड के अंदर जो होगी फ्रीक्वेंसी में, तादाद में, ठीक है ना, वो हमारा मॉड ग्रुप हो जाएगा. तो 9, 18, 35, 17 और 5, तो हमें साफ नज़र आ रहा है 35 हमारा क्या हो जाएगा, ये मॉड ग्रुप बन जाएगा. क्या बन जाएगा, मॉड ग्रुप बन जाएगा. क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं है जब क्लास बाउंड्री आ जाए, बस उसको लिखे रहने देना, ठीक है. जब क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बन जाए तो क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं है. अब इस दो डेटा से आपको लेके चलना है, ठीक है. तो 34.5 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है और हायर क्लास बाउंड्री इसकी क्या है, 39.5 है. अब हम इस दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लें कितने का है, इससे इसको देख लें या इसको इसके देख लें, बात एक ही है, कितने का फ़र्क आता है, 0.5 अगर हम हटाते हैं, 34 और 39 में अगर माइनस किया जाए तो 5 का डिफरेंस है, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे. यानी हमें दो चीज़ मिल गया, लोअर क्लास बाउंड्री में हम क्या पुट करेंगे, 34.5 पुट करेंगे, लेस कर दो इन दोनों को, कितना निकलता है आपके पास, क्या हासिल होता है, 5. वो हम कहाँ रखेंगे, हाइट पे रखेंगे. अच्छा, एफएम क्या है,
यहाँ पर FM नज़र आ रहा है, F1 नज़र आ रहा है और F2 नज़र आ रहा है। F1 वो नंबर है फ्रीक्वेंसी का जो सबसे बड़ा है, जिसमें आपने मॉड ढूंढा है। तो सब मॉड किसे मिला आपको? 35 में, क्योंकि सबसे फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा किसके पास है? इस ग्रुप के पास है, जो कि ये है 34.5 से 39.5 जो है बच्चे ने मार्क्स जो हासिल किए हैं 34.5 से 39.5, ये सबसे ज़्यादा बच्चे ने लिए। वो बच्चे कितने हैं क्लास में? 35, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अगर हम गिन लें तो भी पता चल जाएगा, लेकिन उसमें से 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 34.5 से 39.5 तक नंबर अचीव किए हैं, ठीक है। वो नंबर इस तरह मिला। अब ये 18 मार्क्स लेने वाले बच्चे अगर हम पता करें तो वो 29.5 से 34.5। इसी तरह 5 नंबर लेने वाले जो फेल हो गए होंगे वो बच्चे कितने हैं? नहीं है 40, सॉरी बच्चे यहाँ पर तादाद बच्चा है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 44.5 से 49.5, बल्कि ये सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले है ना। ये टॉप के बच्चे हैं जो 5 जो सबसे ज़्यादा हायर मार्क्स, जिनके हाइएस्ट मार्क्स हैं वो ये हैं 44.5 से लेके 49.5 तक, ठीक है। तो ये जो है हमें एफ एम मिल गया। अच्छा, एफ एम मिल गया, एफ वन कहाँ है सर? तो एफ वन उसके ऊपर वाला है, जहाँ आपको एफ एम मिले उसके ऊपर वाले वैल्यू जो होगी फ्रीक्वेंसी की वो F1 कहलाएगी, और नीचे वाली नीचे आ जाए तो फिर क्या मिल जाएगा? F2 मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मिल गई आपको, आपको लोअर क्लास बाउंड्री मिल गया, FM मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया, हाइट कितना बताया दोनों का डिफरेंस, हाइट 5, बस उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें मिल जाएगा मॉड। तो मॉड को हम किस तरह लिखते हैं? अगर सैंपल में लिखना हो उसके इकाई उसमें दिखाना हो तो उस पर कैप लगा देना इस तरह, एक्स पे इस तरह, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा इसका, हाँ। यानी आप ये लिखें मॉड लिखें या ये लिख दें, एल क्या आना चाहिए? 34.5 हम यहाँ रखते हैं। एफ एम कितना है? 35 माइनस एफ वन क्या है? 18। जिस तरह फार्मूला है उस तरह हम उस पर पुट करते जाएंगे। एच हमारा कितना था ये बताया था दोनों का डिफरेंस, एच कितना आ रहा है हमारे पास? 5, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। एफ एम फिर से रखना है हमें 35 माइनस F1 18 और प्लस यहाँ पर फार्मूला फिर FM आ रहा है 35 और यहाँ पर माइनस F2 कितना है? 17 है। ये हमने इस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सारी वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हमने क्या किया उसमें पुट कर दिया सारी वैल्यू को। लोअर क्लास बाउंड्री है, FM है, F1 है, F2 सारे, हाइट जो है सब रख दिया। अब इसको अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक रूल हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बोर्ड मास रूल। क्या करना चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए? इस नंबर को तो वैसे ही रहने दें, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 35 माइनस 18 क्या हमारे पास आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं 17, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 5 से, और नीचे हमारे पास है 35 माइनस 18, ये फिर 17 आएगा, और यहाँ प्लस कर लेंगे 35 माइनस 17 कितना आएगा? 17 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है? 17 5 85, और 17 प्लस 18 35, ठीक है। आई बात समझ में आता है? 17 प्लस 18 35। 85 को डिवाइड कर लो 35 से, क्योंकि पहले डिवाइड होता है फिर ऐड होता है, ठीक है। तो 85 डिवाइडेड बाई 35 हमारे पास हासिल होगा, ये हमें मिला है 2.428, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं और हमारे पास आंसर किसका आ जाएगा? मॉड का, ये आ गया 36.9, जिसको हम 37 भी लिख सकते हैं अब, क्योंकि ये जो है हायर वैल्यू है ना पॉइंट में, ठीक है। 0.9, 0.6, 0.7, 0.8 राउंड ऑफ करके हम उसको एक नंबर इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास 36.9 ये हमारा मॉड आ गया, या 37 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।